सो गाइस यहाँ पे हमारे पास Samsung Z Fold 3। इस वीडियो के अंदर हम इसका गेमिंग रिव्यू लेने वाले हैं, जिसमें कि बेसिकली हम PUBG खेलने वाले, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने वाले, Genshin Impact खेलने वाले और भी कुछ सारी गेम्स खेलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा का पूरा गेमिंग रिव्यू लेने वाले हैं। पर्टिकुलर एक PUBG टेस्ट नहीं करने वाले हैं, सॉरी अब इसका नाम तो BGMI हो गया है, तो यहाँ पे BGMI टेस्ट पर्टिकुलर नहीं होने वाला है। देखो यार गेम प्ले हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इसके अंदर हुआ, स्पेशली के साथ भी इसका काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। गेम खेलते वक्त आप इसे चाहो तो पूरा का पूरा बड़ा कर लो या फिर पूरा का पूरा छोटा कर लो, ये चीज आप कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अंदर 120 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज दोनों की डिस्प्ले आती है। ब्राइटनेस वगैरह आप सारा कुछ यहां से बढ़ा सकते हो। ऊपर में आपको एक कैमरा देखने को मिल रहा है, इसका कैमरा फ्रंट में 10 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देखो आप PUBG में अगर आओगे या फिर कोई दूसरा भी गेम में जाओगे, ग्राफिक्स जो इसकी होती है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। ग्राफिक्स भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना और कुछ भी नहीं करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ये बस दो काम आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है, ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियोज़ डालूँ आपसे मिस ना हो सके। यहाँ पे देखो जो हम कोई गेम खेल रहे थे, यहाँ पे मैं बात करूँ अगर लैग की तो लैग तो बिल्कुल ही नहीं आ रही थी, और सेकंड बात करूँ अगर हीट की तो नामो निशान नहीं थी। गाइज इसके अंदर हमारा Genshin Impact भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हो चुका है, जबकि आपको पता होगा कि iPad Pro को छोड़ के कोई सा भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं था अभी तक जो कि Genshin Impact को मतलब कि सही से लोड करा सके, Genshin Impact को सही से चला सके। यहाँ तक कि ROG Phone 5 में भी हमारा Genshin Impact एकदम परफेक्ट नहीं चल पा रहा था, बट ये स्मार्टफोन अगेन Genshin Impact को एकदम परफेक्टली चलाता है। कहीं पर मैं जिटरिंग की इशू नहीं आती है, कोई लैग की नहीं, फ्रेम ड्रॉप वगैरह कुछ की भी यहाँ पे इशू नहीं आती है। अब इसके अंदर बैटरी हमारा थोड़ा सा छोटा हो जाता है, इसका बैटरी थोड़ा जल्दी तो ड्रेन हो जाता है। हालांकि यहाँ पे अगर ग्राफिक्स आपको दिखाओ तो HDR में तक आप स्ट्रीम करके खेल पाओगे, तो अगर आप एक्सटर्नल टूल लगा सकते हो तो फिर आप HDR में भी 90 FPS करके खेल पाओगे इसके अंदर। तो आपको सबसे अच्छी चीज तो यही मिलती है कि HDR में आप 60 FPS पे खेल रहे हो गेम प्ले, और भी क्या चाहिए। और यहीं पर बात नहीं खत्म होती है कि यार सिर्फ और सिर्फ HDR में 60 FPS, बात तो ये भी है कि HDR में 60 FPS करने के बाद भी यहाँ पे कोई भी लैग की इशू नहीं आती है, फ्रेम ड्रॉप समय नहीं देखने को मिलती है। कोई सा भी स्मार्टफोन को अगर आप इतना ज़्यादा हाई लेवल तक लेके जाओ तो बहुत से स्मार्टफोन में सपोर्ट तो दे देती है, बट वहाँ पे हमें जाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके या फिर किसी स्मार्टफोन में बहुत ही ज़्यादा करके फ्रेम ड्रॉप्स आती है, बट इस स्मार्टफोन के अंदर ऐसा नहीं है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। अगर उतना जाते तो मैं ये प्रो नहीं हूँ जो हर बंदे को मार ही दूँ। हालांकि अगर आपका ये गेमिंग एक्सपीरियंस पे परफॉर्म करता है कि आप कैसा कर पाओगे, हालांकि स्मार्टफोन का प्राइस देखेंगे, प्राइस के हिसाब से हम जज करेंगे कि कैसा है स्मार्टफोन है। हालांकि गेमिंग के लिए अगर मैं बोल सकता हूँ तो यार सबसे पहली बात तो ये कोई स्मार्टफोन नहीं है, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। ये हमारा आप इसे मतलब कि iPad समझ सकते हो, आप इसे टैबलेट समझ सकते हो, ये स्मार्टफोन नहीं है गाइस। Z Fold 3 ये टैबलेट है, आप इसे स्मार्टफोन मत समझना, बार बार मैं स्मार्टफोन बोल रहा हूँ उस कारण से सॉरी। बट इसके अंदर जो हमारा गेम प्ले चलता है वो रियली भी यार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चलती है, आप यहाँ पे खुद देख सकते हो। तो ये जो वेल मेंटेन करता है, ग्राफिक्स वगैरह कहीं पे भी नहीं फटती है, फिर उसके बाद सेकंड हो जाती है कि लैग की इशू तो बिल्कुल ही नहीं आती है, फ्रेम ड्रॉप्स बिल्कुल नहीं आता है। स्नैपड्रैगन के 888 प्रोसेसर के साथ स्मार्टफोन हमारा है, 4500 mAh की बैटरी भी इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। 11 तारीख ऑफिशियली आप लोगों के लिए भी ये लॉन्च हो जाएगा, अभी तक तो हमारा इसका गेमिंग रिव्यू मैं आपको दिखा सकता हूँ, बाकी सारी चीज़ें के बारे में अगर आप बोलोगे तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वीडियो लाने की, बट अभी मैं नहीं ला पाऊंगा। अगर आप बोलोगे तो मैं 11 तारीख को डेफिनेटली लाने की कोशिश करूंगा। हालांकि इसकी स्पीड टेस्ट में लाने वाला हूं iPhone 12 Pro Max के साथ, ROG Phone 5 के साथ, OnePlus 9 Pro के साथ, Samsung Galaxy S21 Ultra के साथ, इन सभी के साथ मैं इसकी स्पीड टेस्ट लाने वाला हूं, और साथ साथ Samsung Galaxy Z Flip 3 के साथ भी मैं कोशिश करूंगा इसका स्पीड टेस्ट लाने की। ये दोनों स्मार्टफोन एक साथ ही लॉन्च होने वाला है। अब इसका जो प्राइस लगाया जा रहा है अंदाजा, वो अकॉर्डिंग टू 91 मोबाइल्स जो इसका प्राइस लगाया जा रहा है अंदर, वो लगाया जा रहा है कि 1,30,000 से लेके 1,80,000 के बीच में ये स्मार्टफोन हमारे पास आएगी। हालांकि देखते हैं कि ये जो स्मार्टफोन वो हमारे Z Fold 2 की तरह इतना ज़्यादा बेहतर हो पाएगी या फिर नहीं। हालांकि आपको क्या लगता है आप हमारे साथ वो नीचे कमेंट में बता सकते हो। यहाँ पे देखो जो हमारा मीडियम FPS चल रहा है वो 60 FPS चलता है, FPS स्टेबिलिटी इसका 100% रहता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला। यहाँ पे फिर अगर GPU की भी यूजेस की बात करो तो 32.42 काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। फिर यहाँ पे CPU की बात कर लो तो 8.31 ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो एवरेज मेमोरी यूजेज तो आप यहाँ पर देख सकते हो 10.8 GB में से 874 MB ही सिर्फ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। फिर उसके बाद अगर आप पीक मेमोरी यूजेस देखो ये भी इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और इसके बाद टोटल इसका जो डेटा अपलोडेड है ये भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसकी जो सारी चीज़ें वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। सबसे अच्छी चीज़ जो लगी इसका FPS स्टेबिलिटी थी, वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर लगी। अब यहाँ मैं अलग अलग गेम्स की आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको कॉल
कॉल ऑफ ड्यूटी का दिखा दिया, पबजी का दिखा दिया, इन सभी का मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे आप दूसरे गेम का देख सकते हो, इसके अंदर जो आपका गेम चलता है वो 120 FPS पे चलता है। FPS स्टेबिलिटी 120 FPS में भी जो आपका स्टेबिलिटी रहता है वो 99% की रहती है। CPU की बात कर ले तो 7.39 और GPU की बात कर ले तो 46.15। फिर यहाँ पे एवरेज मेमोरी यूजेज भी आपको जो दिखाया जा रहा है वो दिखा रहे 904 10 GB में से। तो ये सारी चीज़ें जो ये इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना देती है। कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर भी आप इसके अंदर 60 FPS पे खेल सकोगे और कोई लैग वैग की इशू तो आपको नहीं देखने को मिलती है। गेम पास बीटा के अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर थोड़ा सा डिसेटिस्फाइड आपको किया, बट इसे हम डिसेटिस्फाइड नहीं बोल सकते, इसे हम डिसेंट बोल सकते हैं इस प्राइस रेंज के हिसाब से। अगर नॉर्मल प्राइस रेंज की बात कर लो, अगर 1 लाख से नीचे की बात कर लूँ फिर तो ये सुपर हो जाता है, बट 1 लाख से ऊपर है तो इसे हम बोल सकते हैं कि हाँ डिसेंट है, क्योंकि 94% फिर भी इसका FPS स्टेबिलिटी आपको मिल रहा है। मीडियम FPS भी आपको 57 मिल रहा है, 60 मिल जाता तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहता। इसके अंदर आप चाहो तो कोई सा भी गेम खेलो, GTA खेलो या फिर कोई भी गेम खेलो, आपको लैग वैग की तो इशू बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी, फ्रेम ड्रॉप का तो नामो निशान नहीं देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाई है FPS स्टेबिलिटी 100% इसका ज़्यादातर गेम में हमारा जो FPS स्टेबिलिटी दिखा है वो दिखा है, 100 से लेकर 99 हो जाता है, कभी कभी 95 97 भी चला जाता है, तो उससे मतलब नहीं है। एक एवरेज जो स्पीड मैंने बताया आपको, एवरेज जो स्टेबिलिटी इसका बताया FPS का वो मैंने आपको दिखा दिया, जो इसका स्टेबिलिटी रहता है FPS का वो रहता है 95 से लेके 100, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम इसका जो FPS स्टेबिलिटी रहता है वो 100 ही रहता है, उससे कम नहीं रहता है। अब अगर हम गेमिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए FPS स्टेबिलिटी का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। फिर साथ ही साथ इसके अंदर में 12 GB 16 GB दोनों ही रैम वेरिएंट में स्मार्टफोन हमारा अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें कि आपको 256 GB और 512 GB दोनों ही वेरिएंट में अवेलेबल होने वाला है। और इसका प्राइस रेंज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो स्मार्टफोन मुझे डिसेंट ही लगा, डिसेंट क्या मैं बोलूँ, एकदम खतरनाक लेवल वाली स्मार्टफोन मुझे लग रही है। मैं बोल सकता हूँ इस प्राइस रेंज में आपको इससे ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन नहीं देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ iPhone 12 Pro Max के साथ टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं, तो मैं बता दूँ स्नैपड्रैगन का जो 888 है वो भी हद तक टक्कर दे देता है हमारे एप्पल के A14 बायोनिक चिपसेट को। हालांकि अब तो हमारा सितंबर में आईफोन का 13 भी लॉन्च हो जाएगा, फिर हम देखेंगे कि क्या ये उसे टक्कर दे पाता है या फिर नहीं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आईफोन 13 को दे पाएगा टक्कर, क्योंकि यार आईफोन जो भी चीज़ निकालता है उसके सामने कोई भी स्मार्टफोन ऐसा वैसा टक्कर नहीं दे पाता। जैसा कि हमने ये बात शुरू से ही नोटिस कर रखा है, आईफोन का लेवल में ये सभी स्मार्टफोन नहीं निकल पाती है। हालांकि हम देखेंगे फिर भी यहाँ पे गेमिंग वगैरह की बात करेंगे, हालांकि गेमिंग में अगर मैं बात करूँ तो एप्पल का जो A13 था उसके अंदर भी हमें इतना तो देखने को मिल ही जाता था जो कि हमें स्नैपड्रैगन की 888 प्लस के अंदर आती है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं बोल सकता यार आईफोन के साथ में टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा। हालांकि हम स्पीड टेस्ट ऑलरेडी करेंगे इसका, और साथ ही साथ इसको साइड बाय साइड कंपेयर भी करेंगे सारा फंक्शंस लेकर, क्या इसके अंदर कैसा है क्या नहीं है। इसका जो एप्पल का A15 बायोनिक चिपसेट निकलेगा, प्रोसेसर उसका डिटेल हम निकालेंगे, फिर स्नैपड्रैगन का 888 प्लस रहेगा उसका निकालेंगे, और उन दोनों में से देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा बेहतर लगता है। इन सभी को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को ऑन कर लेना है, वीडियो को भी लाइक कर देना है। अब यार इस वीडियो के लिए इतना ही था, मैंने आपको लिटरली सारा कुछ दिखा दिया कि कैसा होने वाला आपका सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 के अंदर पबजी, और साथ ही साथ बाकी सारी गेम्स क्या ग्राफिक्स में चलने वाली है, 90 FPS वगैरह चलेगा या फिर नहीं चलेगा, किस गेम के अंदर हमारा 120 FPS चलेगा, क्या चलेगा नहीं चलेगा, सारा कुछ मैंने डिटेल कवर कर लिया है। अब मैं मिलता हूं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।